स्वागत सल्यूट गाइस, आज हम जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं इंडिया के और पूरे वर्ल्ड के। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप पहले से इतने इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी एज एन इंस्ट्रक्टर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बता दूं, जितने भी एग्जाम्स हैं यूपीएससी, स्टेट सर्विस कमीशन, बैंक पीओ, एफकैट, सीडीएस, ये सब डिमांड करते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा आपको एक ओवरऑल नॉलेज भी होनी चाहिए, जिसके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कांट स्ट्रेस दैट इनफ, ये आपको मालूम होने ही चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, नंबर वन, आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स स्टार्ट किया है डीपीआई जनवरी 1, 2021 से। इसका काम क्या है, ये कैप्चर करेगा, ये मेजर करेगा कि पूरे इंडिया में कितना डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट हुआ है, द एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस इंडिया। आरबीआई के डीपीआई में 5 पैरामीटर्स हैं, ब्रॉड पैरामीटर्स: पेमेंट इनेबलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द डिमांड साइड, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। हर एक पैरामीटर के कुछ सब पैरामीटर्स भी हैं जिनके बेसिस पे इनको मेजर किया जाएगा। हम आपको फटाफट वो पॉइंट्स कवर करा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। डीपीआई का जो बेस ईयर है वो 2018 लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2018 हमारा बेस ईयर है और उसके स्कोर को 100 रखा गया। अब आगे वाले ईयर्स का जो मेजरमेंट है वो 2018 के अगेंस्ट किया जाएगा कि 2018 से कितना बढ़ा है। डीपीआई फॉर मार्च 2019 एंड मार्च 2020 था 153.47 और 207.84। तो इसका मतलब मार्च 2019 में ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा की ग्रोथ आई है और 2020 में ये ग्रोथ डबल हो गई है। आरबीआई का जो डीपीआई है ये सेमी एनुअल बेसिस पे, मतलब एवरी 6 मंथ बेसिस पे आरबीआई की वेबसाइट पे अपडेट होगा स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2021। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ का नाम है सुनीत शर्मा। जो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी है, जो अपॉइंटमेंट्स देखती है, उन्होंने इनका अपॉइंटमेंट अप्रूव किया और ये बन गए रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ। इसके साथ साथ ये नए एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है, एक्स ऑफिशियो का मतलब कि आप एक पोस्ट होल्ड कर रहे हो, उसी की वजह से ऑटोमेटिकली आप दूसरी पोस्ट भी होल्ड करने लग जाते हो। सुनीत शर्मा ने किसको सक्सीड किया, विनोद कुमार यादव को। इसके पहले सुनीत शर्मा जो थे वो ईस्टर्न रेलवेज के जनरल मैनेजर थे। इन्होंने इंडियन रेलवेज ज्वाइन किया था 1979 में एज अ स्पेशल क्लास अप्रेंटिस, जब ये आईआईटी कानपुर में इंजीनियरिंग कर रहे थे। इन्होंने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी हुई है और इनको 40 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इंडियन रेलवेज में अलग अलग रोल्स। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विच इज एम्स का राजकोट में फाउंडेशन स्टोन ले किया वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एम्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये बात आपको मालूम है। एम्स राजकोट का जो टोटल एरिया होगा वो 201 एकर्स होगा एंड इट विल बी बिल्ट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1,195 करोड़। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 के मिड तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये एक 750 बेड हॉस्पिटल होगा जिसमें 30 बेड्स होंगे आयुष ब्लॉक में, 125 एमबीबीएस की सीट्स होंगी और 60 नर्सिंग की सीट्स होंगी। नेक्स्ट, रिटायर्ड कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, जो एक बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर, ही पास्ड अवे ऑन 31st दिसंबर 2020 एट द एज ऑफ 84। उनको कहा जाता था एक डेथ डिफाइंग माउंटेनियर। ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने इंडिया की हेल्प करी थी सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर करने में इन 1984, जिसकी वजह से इनका एक बहुत ही मेजर रोल था ऑपरेशन मेघदूत में। इनकी एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट ये थी कि 1965 में ही वॉज पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल स्केलिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट। इंडियंस ने जो माउंट एवरेस्ट फर्स्ट टाइम कॉन्कर किया था, ये उस टीम का एक हिस्सा थे। आर सल्यूट टू द लेजेंड। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, IFSCA बोलते हैं इसको, हैज बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, जिसको हम कहते हैं IOSCO। IFSCA जो है ये अप्रैल 2020 में एस्टैब्लिश किया गया था एक एक्ट के अंडर में। कौन सा एक्ट? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट 2019। ये नाम आपको बहुत लंबा लग रहा होगा लेकिन इसको याद करना बहुत आसान है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज आप एक फ्रेज समझ सकते हैं और सेंटर्स अथॉरिटी, तो IFSCA क्या हुआ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, और इसी का जो एक्ट था 2019 का उसके अंडर में ये अप्रैल 2020 में एस्टैब्लिश किया गया था। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो की गांधीनगर में है गुजरात में। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किस फील्ड में काम करती है, सिक्योरिटीज में, जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, सिक्योरिटीज मार्केट्स हैं इंडिया में, उस फील्ड में काम करती हैं। IOSCO वर्क्स क्लोजली विद G20 एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जिससे जो इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट है, जो इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मार्केट है, उसके स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके।
नेक्स्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको पॉपुलरली सेल कहा जाता है, उसकी नई चेयरमैन है श्रीमती सोमा मंडल। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला इन 1984। चेयरमैन बनने से पहले ये कमर्शियल डायरेक्टर थी सेल की, और सेल को ज्वाइन करने से पहले श्रीमती मंडल जो है ये नालको की कमर्शियल डायरेक्टर थी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से 10 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम्स प्रोक्योर करने के लिए। इस प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट है 1355 करोड़। ये इंडियन बाय कैटेगरी के अंडर में आता है और इसको खरीदा जा रहा है इंडियन नेवी की फ्रंटलाइन वॉरशिप्स के लिए। लिंक्स U2 GFCS स्टैंड्स फॉर गन फायर कंट्रोल सिस्टम। ये एक नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है जो सी में भी टारगेट को ट्रैक कर सकता है, अक्वायर कर सकता है और उसके साथ एंगेज कर सकता है। एयर और सर्फिस टारगेट्स को भी ट्रैक कर सकता है और उसके बारे में एडिक्वेट डेटा भी निकाल सकता है। लिंक्स U2 GFCS का जो डेवलपमेंट है ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर में हुआ है और ये डोमेस्टिक लेवल में डिफेंस प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक नया स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन। ये लॉन्च हुआ था January 6, 2021 को, जिससे फार्मर्स की स्टेट में प्रोग्रेस हो सके और उनकी इनकम डबल हो सके। इस प्रोग्राम के अंडर में एक 3 वीक लंबा कैंपेन होगा जो हर डेवलपमेंट ब्लॉक में ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। इसके अंडर में हर डिस्ट्रिक्ट से 100 प्रोग्रेसिव फार्मर्स को भी सिलेक्ट किया जाएगा और उनको फेलिसिटेट किया जाएगा, मतलब उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट, रिसेंटली अर्जेंटीना ने एक बड़ा डिसीजन लिया था। ये अभी तक की लार्जेस्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री है जिसने अबॉर्शन को लीगलाइज किया है। अर्जेंटीना की कांग्रेस ने अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया अप टू द 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक बहुत बड़ी न्यूज इसलिए है क्योंकि अभी तक अर्जेंटीना उन कंट्रीज में आता था जिसके अबॉर्शन लॉज वर्ल्ड में सबसे रिस्ट्रिक्टिव में आते थे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो अपने नेशनल एंथम में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। उनके नेशनल एंथम का नाम है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। इस नेशनल एंथम की सेकंड लाइन को चेंज कर दिया गया है फॉर वी आर यंग एंड फ्री से फॉर वी आर वन एंड फ्री तक। नेक्स्ट, असम में एक नया बिल पास हुआ है, असम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल का मैंडेट एकदम क्लियर है, नई इंडस्ट्रीज की क्लियरिंग प्रपोजल्स को जल्दी पास किया जा सके और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनकी एप्लीकेशंस को रिन्यू किया जा सके, इसलिए ये बिल पास किया जा रहा है। ओरिजिनली ये एक्ट था दी असम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2016। इसी में अमेंडमेंट्स किया जा रहा है इस बिल के अंडर में, जिससे द स्टेट गवर्नमेंट कैन अवेल 0.25% बोरोइंग्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, जनवरी 4 को हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है बिकॉज इट्स द बर्थडे ऑफ लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल का इन्वेंशन किया था। लुई ब्रेल फ्रांस में पैदा हुए थे 1809 में और एक एक्सीडेंट की वजह से अपने चाइल्डहुड में वो ब्लाइंड हो गए थे। जब वो सिर्फ 15 साल के थे तब उन्होंने एक नया रीडिंग और राइटिंग सिस्टम क्रिएट किया था बेस्ड ऑन चार्ल्स बाबियर्स नाइट राइटिंग सिस्टम। लुई ने जो सिस्टम डेवलप किया था उसको आज हम ब्रेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जापानीज कंपनी ने क्योटो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसके अंडर में वो वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट बनाएंगे मेड आउट ऑफ वुड बाय 2023। इसका बेनिफिट ये होगा कि वुडन सैटेलाइट जब बर्न करेगी तो उसकी वजह से कोई भी स्पेस डेब्री नहीं क्रिएट होगा, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं रिलीज होंगे एटमॉस्फेयर में, और कोई भी जो डेब्री वापस अर्थ पे गिरता है उसमें से कुछ भी हार्मफुल या डेंजरस नहीं होगा। नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने एक तमिल एकेडमी सेटअप की है टू प्रमोट द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ तमिलनाडु। दिल्ली तमिल संगम के जो फॉर्मर काउंसिलर और मेंबर थे एन राजा, उनको वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है तमिल एकेडमी का। तमिल की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये फर्स्ट लैंग्वेज थी जो इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज असाइन करी गई थी। तमिल इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। उसके साथ साथ ये दो कंट्रीज की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, श्रीलंका और सिंगापुर। तमिल लिटरेचर में सबसे पुराना जो लिटरेचर था जिसको संगम लिटरेचर कहते हैं वो 300 BC से 300 AD के बीच में लिखा गया था। नेक्स्ट, इंडिया का 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन एंटार्क्टिका के लिए निकल चुका है ऑन January 5, 2021 फ्रॉम मार्मगोवा पोर्ट गोवा। इस एक्सपेडिशन में 43 मेंबर्स हैं और इनको 30 डेज लगेंगे एंटार्क्टिका पहुंचने में। ये लोग जिस वेसल में गए हैं वो एक चार्टर्ड आइस क्लास वेसल है जिसका नाम है MV वेसली गोलोवनिन। इस मिशन को पूरा करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, जो इंडिया का मेजर फ्यूल सप्लायर है, उन लोगों ने जेट A1 फ्यूल, लूब्स और मरीन गैस ऑयल MGO प्रोवाइड किया है इस मिशन के लिए। आपको मालूम ही होगा कि एंटार्क्टिका में बहुत सारी कंट्रीज के साइंटिफिक रिसर्च बेसिस हैं। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल लॉन्च किया गया है इन द फॉर्म ऑफ असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ARPS इन शिलोंग। अभी तक पूरी कंट्री में 9 स्पोर्ट्स स्कूल्स अप्रूव किए जा चुके हैं
जिसमें से 5 स्कूल्स जो हैं वो डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस मैनेज कर रहे हैं। तो असम राइफल्स पब्लिक स्कूल है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे पहला स्पोर्ट्स स्कूल है जो खेलो इंडिया स्कीम के अंडर में लॉन्च किया गया है। जितने भी खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल्स हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये स्पोर्ट्स को एजुकेशन में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, जिससे इंडिया में स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो सके और ओवरऑल एथलीट्स की प्रोफाइल, एबिलिटीज और आउटलुक इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म स्टार्ट हो जाएगा बाय 2023। ये इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने, जिन्होंने अनाउंस किया है कि 600 मेगावाट कैपेसिटी की फैसिलिटी डेवलप करी जाएगी नर्मदा रिवर पे। सोलर एनर्जी हार्नेस करने के लिए जो फ्लोटिंग पैनल्स हैं वो इंस्टॉल करे जाएंगे ऑन द बैक वाटर्स ऑफ ओमकारेश्वर डैम और ये कवर करेंगे अप्रोक्सीमेटली 2000 फीट का एरिया इन द खांडवा डिस्ट्रिक्ट। प्रोजेक्ट जो है ये रिक्वायर करेगा एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $410 मिलियन, जिसका मतलब है 30 बिलियन इंडियन रुपी। इस फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से जो भी एनर्जी क्रिएट होगी उससे 400 मेगावाट की एनर्जी मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी जो है वो खरीदेगी। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली 3 और इम्पोर्टेंट चीजें लॉन्च हुई हैं, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली और नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी। इन तीनों इम्पोर्टेंट चीजों को अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। एटॉमिक टाइम का मतलब होता है कि वो क्लॉक की एग्जैक्ट स्पीड बताती है। अगर हम टेक्निकल वर्ड्स में बात करें तो इट मेजर्स द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ सेकंड। कि एक सेकंड कितना लंबा होता है एक एटॉमिक क्लॉक वो भी मेजर कर सकती है। एटॉमिक क्लॉक्स का प्रिसिजन इतना ज्यादा होता है कि वो एक 100 मिलियन ईयर्स में सिर्फ 1 सेकंड से डिविएट करती है। एटॉमिक क्लॉक्स के लिए कहा जाता है कि वो 1 सेकंड तब कैलकुलेट करती हैं जब सीजियम 133 पे ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। सीजियम 133 का जो एटम है ये ऑसिलेट करता है 9192631770 टाइम्स। ऑब्वियसली आपको ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर फन अगर आप गेस करें कि ये कितना बड़ा नंबर है, कैलकुलेट करिए और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि ये जो नंबर है ये अगर आप करोड़ में मेजर करेंगे तो कितना करोड़ आएगा, कितने करोड़ टाइम्स सीजियम 133 का जो एटम है वो ऑसिलेट करेगा, उसके बाद एटॉमिक क्लॉक जो है उसको 1 सेकंड मानेगी। और आप इमेजिन करिए कि ये कितनी जल्दी ऑसिलेट करता होगा कि 1 सेकंड में ये इतने टाइम्स ऑसिलेट कर भी जाता है। इस नई नेशनल एटॉमिक टाइम के लॉन्च के बाद इंडिया सेल्फ रिलायंट हो गया है इन मेजरिंग टाइम विद इन द रेंज ऑफ नैनो सेकंड्स। अब इंडिया को इस चीज के लिए किसी भी और कंट्री पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से इंडिया ने अचीव कर लिया है एक्यूरेसी लेवल ऑफ 2.8 नैनो सेकंड, जो मैच करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से। इस पूरे का फायदा मिलेगा इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। एटॉमिक टाइम जो है वो आज की रीसेंट की टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा काम आता है। बहुत सारी फील्ड्स में एटॉमिक टाइम की बहुत जरूरत पड़ती है, जैसे कि वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज और बैंकिंग। इन सब में एटॉमिक टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू। नेक्स्ट, 2 इम्पोर्टेंट एजेंसीज की बात करेंगे हम। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रीमियर रिसर्च एजेंसी है, और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन महामेट्रो, जो एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रही है टू कंजर्व वाटर एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बाय इंस्टॉलिंग DRDO's इको फ्रेंडली बायोडाइजेस्टर यूनिट्स। ये बायोडाइजेस्टर जो DRDO ने बनाया है ये इंडिजिनस है, मतलब इंडिया में बना हुआ है, ग्रीन है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और इसके पास एक खास डिस्टिंक्शन ये है कि अभी तक DRDO के सारे प्रोडक्ट्स में इसके वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइसेंसीज हैं, मतलब जिन लोगों के पास लाइसेंस है इस बायोडाइजेस्टर को यूज करने का। इंडियन रेलवेज ने ऑलरेडी 2.4 लाख बायोडाइजेस्टर्स लगा दिए हैं अपने पैसेंजर कोचेस में। महामेट्रो के लिए, मतलब महाराष्ट्र मेट्रो के लिए, इस टेक्नोलॉजी को रिवैम्प किया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, इम्प्रूव किया गया है, जिससे और ज्यादा पानी और स्पेस सेव हो सके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने एक ऑनलाइन एग्जाम अनाउंस किया है। ये एग्जाम अपनी तरह का पहला एग्जाम है पूरी कंट्री में और ये फरवरी 25, 2021 को रखा जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज लेवल के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट एनी फी। कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम हर साल कंडक्ट किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2021। एग्जाम का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इंडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी रिलेटिंग टू काउज एंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो काउ से रिलेटेड है आफ्टर दे हैव स्टॉप्ड गिविंग मिल्क। नेक्स्ट, इंडिया में अभी रिसेंटली बहुत सारे नए लॉन्चेस हुए हैं, जिसमें से एक और इम्पोर्टेंट लॉन्च है द वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। इसको अभी रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया गया था फ्रॉम न्यू अटेली इन हरियाणा टू न्यू किशनगंज इन राजस्थान। प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली एक 306 किलोमीटर रेवड़ी मदार सेक्शन भी लॉन्च किया वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में, DFC जिसको बोलते हैं। एक ऐसा कॉरिडोर, एक ऐसा पैसेज जो स्पेशली चीजों के, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया हो।
एक ट्रेन जो है वो 360 10 फीट कंटेनर्स के इक्विवेलेंट कैरी कर सकती है। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी इज इक्विवेलेंट टू 270 हाई कैपेसिटी ट्रेलर ट्रक्स, मतलब इतना सामान कैरी कर सकती है जितना 270 हाई कैपेसिटी ट्रेलर ट्रक्स कैरी करते हैं। ये जो भी लॉन्चेस हैं, इनका पर्पस ये है कि ये फार्मिंग और अलाइड बिजनेसेस को इम्प्रूव करेंगे हरियाणा में, राजस्थान में, और नई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे टू सिटीज लाइक महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर एंड सीकर। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तीन कमिटीज को चेयर करेगा इंडिया। ये तीन कमिटीज हैं काउंटर टेररिज्म कमिटी, लीबिया सैंक्शंस कमिटी और तालिबान सैंक्शंस कमिटी। UNSC मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काउंटर टेररिज्म कमिटी को बनाया गया था आफ्टर द 9/11 टेररिस्ट अटैक्स इन US। इसके पहले भी इंडिया काउंटर टेररिज्म कमिटी को चेयर कर चुका है इन द ईयर ऑफ 2011-12। इस कमिटी का काम होता है काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज को मॉनिटर करना और इम्प्लीमेंट करना, और इस कमिटी में 15 मेंबर स्टेट्स हैं। जो लीबिया सैंक्शंस कमिटी है UNSC की, ये इम्प्लीमेंट करता है सैंक्शंस रिजीम इन लीबिया, जो कंट्री है अफ्रीका की, वहां पे लीबिया के ऊपर जो टू वे आर्म्स एम्बार्गो है, एम्बार्गो मतलब स्टॉप लगा हुआ है, ना लीबिया आर्म्स बेच सकता है ना खरीद सकता है, इस एम्बार्गो को भी मॉनिटर करना होगा, ट्रैवल बैन, एसिड फ्रीज, इन सारी चीजों को मॉनिटर करना होगा। इस कमिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको इसी बात पे ध्यान देना है कि लीबिया में आर्म्स सप्लाई ना हो सके और जो इससे रिलेटेड मटेरियल है वो सब लीबिया तक ना पहुंचे। जो तालिबान सैंक्शंस कमिटी है वो प्रमोट करती है स्टेबिलिटी, पीस एंड सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान। इसको 1988 सैंक्शंस कमिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट, जनवरी 9 को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है जिससे जो दूसरे कंट्रीज में इंडियंस रह रहे हैं उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, ये उसको हाईलाइट करने के लिए मनाया जाता है। ये वही दिन है, जनवरी 9 वही दिन है जब 1915 में महात्मा गांधी जो है ये रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका और इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया। इसीलिए जनवरी 9 को ये दिन चुना गया था टू सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस। 2021 में द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस वाज कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। पैंडेमिक की वजह से प्रवासी भारतीय दिवस को वर्चुअली होल्ड किया गया था ऑनलाइन। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने इंडिया का एक नया मैप निकाला था जिसमें उन्होंने जो इंडिया की नई क्रिएटेड यूनियन टेरिटरीज हैं लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर उनको ग्रे से मार्क किया था। मतलब ये मार्क किया था कि वो इंडिया के प्रॉपर हिस्से नहीं है एज सच। ऑब्वियसली इस बात से इंडिया खुश नहीं है और ये माना जा रहा है कि चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ था WHO के इस नए मैप में। चाइना जो है वो WHO को बहुत ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करती है और इसीलिए ऑब्वियसली उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस चलता है WHO में। नेक्स्ट, इंडिया का पहला नेशनल यूथ पार्लियामेंट होल्ड किया गया था 2019 में और उसका थीम था बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। नेशनल यूथ पार्लियामेंट को इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे यूथ की आवाज सुनी जा सके, पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 18-25 years। इसको जनवरी 12 को रखा जाता है टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। इसी दिन को मतलब स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, इंडिया के DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, अभी रिसेंटली RLG डिलीवर किया है, मतलब रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर फॉर टू डिफरेंट क्लास ऑफ अनमैंड एरियल व्हीकल्स जिसको UAVs भी कहा जाता है, तपास एंड स्विफ्ट। DRDO की एक लेबोरेटरी है CVRDE, कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, वहां पे इन गियर्स को हैंडओवर किया गया था एक सेरेमनी में इन द सिटी ऑफ चेन्नई। ये जो सिस्टम्स हैं इनको डेवलप भी किया गया था CVRDE में और इनको डिलीवर किया गया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन बेंगलुरु। नेक्स्ट, RBI ने एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है विच इज अ 20 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन जो है ISO के नाम से हम उसको जानते हैं, ISO 17442 उनका एक स्टैंडर्ड था जिसके बेसिस पे RBI ने ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर मतलब LEI इंट्रोड्यूस किया है। जो पहला LEI था वो इशू हुआ था 2012। LEI का पर्पस ये होता है कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, उनकी जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको क्लियरली और यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ये कोड। LEI को इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर ऑल पेमेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ 50 करोड़ एंड अबव जो NEFT या RTGS के थ्रू किया जा रहा है। जिन्होंने भी ऑनलाइन पेमेंट्स किए होंगे उनको मालूम होगा कि NEFT और RTGS दो इम्पोर्टेंट वेज ऑफ मनी ट्रांसफर हैं। NEFT स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर और RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इस सिस्टम के अंडर में बैंक्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी रेमिटर की और बेनिफिशियरी की, और ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। ये सिस्टम वैलिड रहेगा फॉर 1 ईयर फ्रॉम द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट,
वन प्लैनेट समिट एक इंटरनेशनल इवेंट है जो फोकस करता है ऑन बायोडायवर्सिटी। वन प्लैनेट समिट का मेन पर्पस है टू प्रमोट वर्ल्ड वाइड इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जितना भी एनवायरमेंटल और क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए काम हो रहा है और उससे रिलेटेड जो भी इनोवेशन हो रहे हैं उनको मेजर करने का काम करता है ये समिट। 2021 में वन प्लैनेट समिट का जो थीम था वो था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और द कंट्री फ्रांस ये मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं द वन प्लैनेट समिट, और सबसे पहला वन प्लैनेट समिट रखा गया था 2017। तो ये था हमारा पार्ट वन ऑफ द करंट अफेयर्स फॉर जनवरी 2021। आई होप आपको इसमें मजा आया होगा और आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग नई चीजें जानी होंगी। इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हुई हैं एंड दिस इज ओनली अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ दैट। अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज बाकी है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। फ्यूचर के क्लास वन ऑफिसर्स, आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय।